subscribe our channel and don't forget to press the bell icon. हेलो दोस्तों, स्वागत है वर्ष फिर हमारा यूट्यूब चैनल एसके ऑनलाइन सेंटर में। आज हम बात करेंगे बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल जिसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए किसी देर के स्टार्ट करते हैं। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसके मेन साइट पर आ सकते हैं। आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कैंडिडेट लॉगिन दिया, इस पर क्लिक करेंगे। जिसे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का साइट ओपन हो जाएगा, पेज ओपन हो जाएगा। इस पर ईमेल आई डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, अगर पहले से आप रजिस्ट्रेशन है तो इसको चेक मार्क करेंगे, उसको लॉगिन कर लेंगे। अगर आप न्यू यूजर्स हैं तो इस पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अपना नाम देंगे, मोबाइल नंबर देंगे, ईमेल आईडी देंगे, उसके बाद जनरेट ओटीपी करेंगे। जैसे ही जनरेट ओटीपी करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, उसको वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई करने के बाद आपको जो है कि इसके बाद जैसे वेरीफाई कर लेंगे उसका पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देंगे, अपना नाम देंगे, मोबाइल नंबर आपका होगा, ईमेल आईडी आपका। उसके बाद आईडी टाइप में जाएंगे, यहाँ पर जो भी है आधार कार्ड यहाँ से चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर नंबर देंगे, इसके बाद आधार नंबर यहाँ से दे देंगे, जो भी आपका डिटेल यहाँ से दे देंगे, देखिए उन्हें दिया हुआ है। इसके बाद जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगा यहाँ से देंगे, डेट ऑफ बर्थ चूज करेंगे, ठीक है, या फिर नेशनलिटी चूज कर लेंगे, फादर नेम देंगे, मदर नेम देंगे, कोई शरीर पर अगर मार्क है या टैटू है तो वो यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद जेंडर चूज करेंगे, मेल है फीमेल है, उसका मैरिड है अनमैरिड है वो यहाँ से चूज करेंगे। इसके बाद जो है कि डोमिसाइल कहाँ का है, यस है तो यस करेंगे, वहाँ से नो करेंगे है तो यस करेंगे। उसके बाद डोमिसाइल इशू कहाँ का, उत्तर प्रदेश, बिहार, जो भी आपका यहाँ से चूज कर सकते हैं एक एक करके। इसके बाद सर्टिफिकेट नंबर देंगे डोमिसाइल का। इसके बाद जो कैटेगरी रिजर्वेशन यहाँ से चूज करेंगे, आपका हिंदू है कैटेगरी यहाँ से चुनकर, ओबीसी एसटी जो भी है, कि आप नॉन क्रिमिनल से संबंधित है, यस है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र नंबर देंगे, उसके बाद जो है कि सर्टिफिकेट का भी इशू हुआ वह यहाँ से देंगे, सर्टिफिकेट का जिला देंगे। उसके बाद जो है कि प्रमाण पत्र किसने द्वारा जारी किया है वह यहाँ से देंगे। उसके बाद जो प्रमाण पत्र जारी की तिथि देंगे, कब ये जारी हुआ है। उसके बाद मोड के रूप में क्या उम्मीदवार क्या डायरेक्ट है या ईडब्ल्यू जो भी है, आप डायरेक्ट ही वैकेंसी हो रहे हैं तो डायरेक्ट यहाँ से क्लिक करेंगे। इसके बाद क्या आपको कोई विकलांगता है तो यस करेंगे और नो करेंगे। इसके बाद क्या भूतपूर्व सैनिक है, यस या नो कर सकते हैं। क्या विभागीय है तो यस या नो यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद जो कि एड्रेस डिटेल यहाँ से आ जाएगा, एड्रेस डिटेल यहाँ से देंगे, जो भी आपका एड्रेस हो यहाँ से दे सकते हैं। इसके बाद पिन कोड यहाँ से देंगे। इसके बाद जो कि स्टेट चूज करेंगे, जो भी स्टेट है आपका, उसके बाद जिला चूज कर लेंगे। इसके बाद जो कि विलेज चूज करेंगे, जो भी आपका विलेज या शहर है वो चूज कर लेंगे। उसके बाद पुलिस स्टेशन अगर देना चाहते तो दे सकते हो ना, छोड़ सकते हैं। इसके बाद पोस्ट ऑफिस यहाँ से देंगे, अगर प्रेजेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस अगर सेम है तो इसको चेक मार्क करेंगे, वरना अलग अलग भी आप रख सकते हैं। इसके बाद ऑर्डर डिटेल में जाएंगे, ऑर्डर डिटेल में आपके पास अगर एनसीसी है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। इसके बाद कौन सा अगर एनसीसी है तो ए बी सी, अगर तीनों है तो तीनों को यस कर लेंगे। कि आपके पास खेल का है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। इसका फिजिकल स्टैंडर्ड में जाएंगे, हाइट आप देंगे कितनी है, आपको चेस्ट कितनी वो दे देंगे, वेट कितना वो दे देंगे। बैक लिस्ट का डिक्लेरेशन अगर है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। उसके बाद से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल में जाएंगे, यहाँ से जो भी क्वालिफिकेशन आपका जो है हाई स्कूल चूज कर लेंगे, उसका प्रमाण पत्र यहाँ से जो हाई स्कूल चूज करते हैं इसका प्रमाण पत्र देंगे। उसके बाद ईयर यहाँ से चूज कर लेंगे किस समय पास है, उसके बाद राज्य यहाँ से चूज करेंगे कहाँ से पास है, उसका बोर्ड या यूनिवर्सिटी यहाँ से चूज करेंगे, स्टेट बोर्ड जो भी है उसके बाद यहाँ से ऐड कर देंगे। एक है उसके बाद इंटरमीडिएट उसी प्रकार ऐड कर देंगे, उसका ग्रेजुएशन का है तो ग्रेजुएशन भी उसी प्रकार ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जाएंगे वर्क एक्सपीरियंस पर, अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। उसके बाद से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, सेव पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद जो है फोटो सिग्नेचर, हाई स्कूल इंटर, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट अगर जाति प्रमाण पत्र है, उसके बाद एनसीसी है तो यह सब कुछ पूरे जैसे कि मैंने अपलोड करके रखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। एक ही करके आप जो है कि अपलोड कर लेंगे। अपलोड करने के बाद जो है कि सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, उसको चेक मार्क करेंगे इसको यहाँ से, उसका सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जैसे सब कुछ फिलअप करेंगे, उसका प्रोफाइल जो है आपका अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, उसके बाद जाएंगे अप्लाई न्यू एडवर्टाइजमेंट के बाद, इस पर जैसे क्लिक करेंगे हम बात कर रहे हैं पीएसएफ ट्रीटमेंट का ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक फॉर्म दिखाई देगा यहाँ पे ट्रीटमेंट का, ठीक है, आप देख पा रहे हैं कॉन्स्टेबल ट्रीटमेंट, ठीक है, इसमें हम क्लिक करेंगे, इस वाले अप्लाई फॉर्म पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसके बाद जो है कि यहाँ पर सेलेक्ट पोस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा आपको, यहाँ पोस्ट जो भी पोस्ट आप सेलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे बॉर्बर का है, कुकर कोबर का है, कुक का है, या स्वीपर का, जो भी पोस्ट आप सेलेक्ट करना है सेलेक्ट कर एक एक करके सेलेक्ट कर लेंगे एक, ठीक है, हमें कुक का सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो है कि नीचे क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, अगर एक्सपीरियंस है तो यस करेंगे और नो करेंगे यहाँ से।
ठीक है। अगर ऐसे सेलेक्ट करेंगे इसको भी स्किल से अगर है तो यस करेंगे और नो कर लेंगे। इसके बाद जो है कि आर यू वांट टू सेविंग बीएसएफ पर्सनल अगर है तो यस करेंगे और नो करेंगे। इसके बाद हाइट सब कुछ आप देख पा रहे हैं, हाइट फिजिकल। इसके बाद आप अपलोड योर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, ट्रेड सर्टिफिकेट और अपलोड करना पड़ेगा आपको। अपलोड योर डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। आप प्रीव्यू वहाँ पर देख सकते हैं, अच्छे से एक बार प्रीव्यू देख लेंगे। उसके बाद आप प्लेस का नाम लिखेंगे, उसके बाद जो है कि आप सेंटर दे देंगे, ठीक है। 147 रुपये जो है हमारा पेमेंट कटेगा, ये पेमेंट यहाँ से कटा लेंगे, उसे चेक मार्क करेंगे अच्छे से। उसके बाद पे नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे पे नाउ पर क्लिक करेंगे पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा। पेमेंट में आप जो क्रेडिट थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी भी के थ्रू आप जो है कि पेमेंट यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो पेमेंट करने के बाद जो है कि फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप जो है प्रिंटआउट निकाल के रख लीजिएगा। यहाँ पर पेमेंट कर लेंगे, बता दिया कि किस तरह इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप जो प्रिंट आउट निकाल कर रख सकते हैं। तो आशा है वीडियो और सबको अच्छा लगा होगा, तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।